एक तो मुझे बताइए कि दोहा चौपाई और शेर इन तीनों में क्या अंतर होता है पाकिस्तान के मुद्रा में भारी गिरावट आ रही है जी सर क्या कारण है मुझे बताइए कि शादी में जो हम खर्च करते हैं भोज के ऊपर वो भी फिजूल खर्ची के ही श्रेणी में आता है आपके लिहाज से क्या आप ये मानते हैं कि वैवाहिक व्यवस्था जो है वो इस धुरी पे टिकी हुई है कि महिला कितना बर्दाश्त कर पाए राजस्थान के कुछ कल्चरल साइट्स के बारे में बताइए हिंदी साहित्य में ऐसे कौन से कवि या उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने अज्ञान के ज्ञान के बारे में खूब लिखा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर जी आइए धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार। बैठिए बैठिए जी धन्यवाद आप हैं ईश्वर लाल गुर्जर जी सर ठीक ईश्वर थोड़ा सा हमें अपना परिचय दीजिए और वो सब बातें बताइए जो आपको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए जी सर सर मेरा नाम इसलाल गुजर है मैं राजस्थान के भिलवाड़ा ज़िले से संबंध रखता हूँ जी मैंने अपनी शुरुआती विद्यालय स्तर की पढ़ाई अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की तत्पश्चात मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से बी किया वर्तमान में मैं एक प्राइमरी टीचर के रूप में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हूँ पिछले चार सालों से आ, मेरी हॉबीज जो है वो आत्मकथाएँ पढ़ना और कविता लिखना है आत्मकथाएँ पढ़ने से क्या फायदा होता है जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा कहते हैं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकथा मान आत्मकथा है आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने निश्चित रूप से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा भी देखी ही होगी आत्मकथा लिखने के क्या फायदे हैं और किसी और की आत्मकथा पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है जी सर सर आत्मकथा पढ़ने का जो सर्वप्रथम मैं फायदा देखता हूँ वो ये है कि हम आ, किसी के जीवन को जिए बिना ही उसके सारे अनुभव तजुर्बों को पा लेते हैं ये उस तरह से हैं सर जैसे किसी के कंधों पे बैठ के दुनिया देखने का अनुभव प्राप्त करना जहाँ तक सर महात्मा गांधी की आत्मकथा जो मैंने पढ़ी है उसे सर ये देखने सीखने को मिलता है कि हर महानता की शुरुआत जो है एक छोटे कदम से और सरल लक्ष्यों से ही शुरुआत होती है जहाँ तक सर आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का सवाल है कि आत्मकथा लिखने के क्या फ़ायदे हैं तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जैसे निश्चित रूप से एक समाज आपकी जीवन और कार्यों के बारे में समझेगा तो वो फायदा तो है ही दूसरा यह है कि आपने जो सीखा उस धरोहर को विरासत को आप अगली पीढ़ी को सौंप के जाते हो तो वो अनुभवों की धरोहर भी अपने आप में समाज के लिए एक संपदा के रूप में आत्मकथा लिखने के नुकसान क्या है और पढ़ने के क्या नुकसान है आ, सर लिखने का जो नुकसान मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है आ, कि सर आत्मकथा लिखना दुधारी तलवार पर चलने की तरह है अगर आपने अपने आप को महान दिखाने का प्रयास किया तो हो सकता है आप पाठकों के मन में आत्मसलागा जैसे उसे दोष से ग्रस्त हो जाए और आपने यदि एकदम खरा सत्य लिखा तो हो सकता है आप लोकप्रिय हो जाएं क्योंकि किस, हर किसी के जीवन में जो है अपनी तरह की विद्रुपताएँ है होती हैं तो ये दो नुकसान हैं और पढ़ पढ़ने के नुकसान के रूप में सर अभी तक जो है मैं कोई ऐसा भी एक नुकसान नहीं सोच पा रहा हूँ तो अभी सोचिए जी सर सर एक ये सोच सकते हैं कि कई बार व्यक्ति जो है अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करने लगता है तुलनात्मक रूप से तो वो एक तुलनात्मक वंचना जैसी भावना का शिकार हो सकता है पर वो पाठक पे निर्भर करता है कि वो उसे कैसे ले गांधी जी की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी सर मूलते उन्होंने गुजराती में लिखा बाद में फिर उसे अनुवाद और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कि कितने भाग हैं उनके क्या क्या नाम हैं जी सर उसके तीन खंड तीन भाग हैं पहले भाग का नाम है नीड का निर्माण फिर बाकी के दो नाम माफ कीजिएगा सर मैं याद नहीं कर पा रहा क्या भूलू क्या याद करूं क्या भूलू क्या याद करूँ और दश द्वार से सोपान तक जी सर धन्यवाद ईश्वर ये बताइए कि आप एक टीचर हैं वही प्राइमरी के टीचर हैं साहित्य आपका विषय है, है कविताएं आप लिखते हैं शायद शेर व शायरी भी आप लिखते हैं जी सर एक तो मुझे बताइए कि दोहा चौपाई और शेर इन तीनों में क्या अंतर होता है विशेष रूप से जब आपको प्राइमरी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाना हो और कोई छोटा सा तो बच्चा आपसे पूछ ले कि दोहा क्या है चौपाई क्या है और शेर क्या है तीनों का अंतर क्या है तो एग्जाम्पल देकर समझा दीजिए तीनों में क्या अंतर है जी सर सर दोहा जो है वो हिंदी में जो है मुक्तक का एक जिसमें दो पंक्तियाँ होती हैं चार चरण होते हैं और तेरह ग्यारह की मात्राएं होती है पहले चरण में तेरह ग्यारह तो उसे छंद कहेंगे ना जी सर कि दोहा एक हिंदी का छंद है हिंदी का छंद है और इस तरह की मात्राओं का पैटर्न अगर किसी में है तो वो दोहा कहलाएगा ठीक है चौपाई में चार पंक्तियां होती है सर चौपाई है चौपाई है।, है जी सर आ, और शेर सर जो है उर्दू काव्य की एक जो है शायरी में एक छंद के रूप में जिसे बहर कहा जाता है उसमें दो... में कितनी मात्राएं होती हैं सर एग्जैक्ट नहीं पता माफ कीजिएगा लेकिन निश्चित होती हैं जी सर निश्चित होती है क्या शेर में निश्चित मात्राएं होती नहीं सर शेर में निश्चित मात्राएं नहीं होती और रदीफ काफिया क्या होता है शेर में सर रदीफ जो है जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसे रदीफ कहते हैं और काफिया वो शब्द हैं जो समान शब्द हैं जैसे सर तुमसे निप जाए वही जिंदगी नहीं जीने के मकसद और भी हैं तो जीने के मकसद और भी है यदि ये मतला के बाद वाले काफी है नहीं सर ढूंढेंगे इसमें नहीं जी सर अगली पंक्ति जो शेर की होगी उसमें जो रिपीट पुनरावृति होगी उसे रदीप कहेंगे नहीं नहीं आप हैं मुझे लगा। जी सर अच्छा कोई बात नहीं एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है पाँचवीं क्लास का और उसे एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है ईश्वर ने बनाई है आप तो नाम में भी ईश्वर हैं और टीचर भी हैं और बच्चे के लिए टीचर ईश्वर ही होता है जी सर वो बच्चा आपसे पूछता है कि सर मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं है और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप मुझे समझाइए कि क्या ईश्वर सच में होते हैं और यदि होते हैं तो दुनिया उन्होंने कैसे बनाई वो कैसे हैं वो क्या करते हैं ये सब प्रश्न पूछे पांचवी क्लास का बच्चा जिसकी उम्र करीब दस साल है या और छोटा मान लीजिए सत्रह साल का बच्चा उसकी इन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करेंगे आप और किन बातों का ध्यान रखें ज्ञासा कहते हुए जी सर आ, सर सबसे जो पहली बात जिसका मैं ध्यान रखूंगा वो है कि बच्चों में जो जिज्ञासाएं जो उनका जानने का नजरिया है दुनिया को समझने के प्रति दृष्टिकोण मैं कोशिश करूंगा कि जो है जितना संभव हो सके मेरे अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूँगा तो सबसे पहला सर जैसे मैं उसे बताऊँ क्योंकि सर मैं स्वयं जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ और जितना मेरा अनुभव रहा है मैंने इ, इसी निष्कर्ष में मैं पहुँचा हूँ कि दुनिया में काफ़ी अनिश्चितताएँ हैं तो ईश्वर जैसी अवधारणा में यदि हम भरोसा करते हैं तो वो हमारे मानसिक शांति और व्यक्तित्व विकास के लिए मैं उसे अहम मानता हूँ बहुत बढ़िया तो मैं उसे सर जो है जितने अनु अपने अनुभव होंगे उस हिसाब से उसे बताना चाहूंगा कि ईश्वर जो है उसका अस्तित्व तो मान लीजिए आपकी क्लास में तीन बच्चे हैं एक हिंदू है एक मुस्लिम है एक सिख है और एक चौथा ईसाई बच्चा है और वो चारों अपने अपने धार्मिक मतभेद को लेकर आते हैं पांचवी क्लास में और कुछ ऐसी बात करते हैं कि नहीं मैंने तो सुना है कि जो ईश्वर है उसका नाम अल्लाह है नहीं मैंने तो सुना है कि ईश्वर का नाम गॉड है उन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वो आपस में किसी मतभेद के शिकार ना हो जी सर सर इसमें महात्मा गांधी ने जो कहा है वो एक आ, मिसाल के रूप में मैं दे सकता हूँ उन्होंने कहा है कि ईश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं क्योंकि उसके एहसास अनगिनत हैं हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग तरीकों से अनुभव किया है जैसे सर प्रत्येक बच्चा है उसका व्यक्तित्व तो अलग तरह का होता है तो वो भी एक ही अनुभव को कई तरीकों से अलग अलग बच्चे महसूस करते हैं तो मैं उन्हें यह बताऊंगा कि ईश्वर जो है वो अंतिम रूप से सत्ता एक है धर्म जो है वो उससे पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं बहुत बढ़िया सर ईश्वर भीलवाड़ा के अब रहने वाले हैं जी ये बताएं है, भीलवाड़ा से जयपुर की दूरी कितनी है सर एग्जैक्ट नहीं पता पर ढाई सौ किलोमीटर के आसपास और दिल्ली की दूरी सर, सर पाँच सौ नब्बे किलोमीटर के आसपास एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन चलिए ठीक है काफ़ी सही है आ, ये बताएं कि आजकल विवाद चल रहा है भोज को लेकर जी सर कि भोज गुर्जर थे या राजपूत थे जी सर क्या लगता है आपको सर मुझे लगता है कि इस तरह के जो विवाद हैं इनसे बचकर हमें जो है वो तथ्यों के आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास करना चाहिए महिर को जो है वो गुजर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं और इस वजह से जो है गुजर समुदाय उन्हें अपना शासक के रूप में देखता है दूसरा सर ये देखें तो गुजर प्रतिहारों के बाद ही जो है सातवीं शताब्दी के बाद प्रतिहारों के पतन के साथ ही जो कई तरह के राजपूत रजवाड़े जो है वंश उभर के आएँ तो एक तरह से वहां से भी वो लिंक होता है तो इस इन विवादों में पढ़ने के बजाय अपने जातीय नायक तलाश, तलाशने के बजाय इतिहास को हमें एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए अच्छा एक ईरानी यात्री उनके कार्यकाल में भारत आए थे और उन्होंने भारत और मध्य एशिया के व्यापार के बारे में भी टिप्पणी की है क्या स्थिति थी, थी उस वक्त व्यापार के मामला में पढ़ा सर अपने? सर उस समय सर भारत का जो है वो जो पूर्वी बेंजिंग साम्राज्य था उनसे हमारे काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे और ये देखा भी जाता है सर गुप्त काल के बाद में जो है विदेशी जो व्यापार हैं उसमें हालांकि गिरावट देखी गई थी फिर भी सर यूरोपीय यूरोप में जो है कई तरह की चीज़ें जैसे मसाले या रेशम या सूती वस्त्र जो है हम निर्यात करते थे उस समय और अभी व्यापार की स्थिति क्या है यूरोप से सर नहीं मध्य एशिया से मध्य एशिया से सर सर मध्य एशिया में हमारे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर वो ये है कि हम तुर्की और जो है अफगानिस्तान जैसे देशों में जो है उतने जो है संबंध नहीं है प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध भी नहीं है वो दूसरे अच्छा आजकल हम मध्य एशिया के उत्तरी देशों के से अपना ध्यान थोड़ा सा कम करके मध्य एशिया के दक्षिणी हिस्से में जो देश स्थित हैं उन पर अपना ध्यान द्या, बढ़ा रहे हैं क्या कारण है जैसे इजराइल से हमारे संबंध मजबूत हैं सऊदी अरब से हमने संबंध काफ़ी मजबूत किया इधर मिस्र से भी कर रहे हैं क्या सोच है इसके पीछे सर इसके पीछे पहली वजह तो ये है कि जो अरब वर्ल्ड है वहाँ भारत की एक बड़ी आबादी प्रवासी आबादी निवास करती है तो वो भारत के हित उससे जुड़े हुए हैं दूसरा सर ये है कि जो है मध्य एशिया के जो ऊपरी देश अपन देखें तो वो कई भू राजनीतिक विवादों में उलझे हुए हैं तो भारत जो है भारत अपनी विदेश नीतियों को इन भू राजनीतिक विवादों से बचाते हुए ऐसे देश जो राजनीतिक रूप से स्थिर हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं तो उनसे हम रिश्ते बेहतर करने के प्रयास में अभी पाकिस्तान की मुद्रा में भारी गिरावट आ रही है जी सर क्या कारण है सर इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जो वहाँ डॉलर की कमी है सर और व्यापार इस तरह के हैं कि पाकिस्तान का आयात भी बहुत ज़्यादा है वो ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर भी जो है वो आयात पर निर्भर है तो डॉलर की बढ़ती मांग एक बड़ी वजह है दूसरा सर यह है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में है माना यह जाता है कि जो जो देश अमेरिका पर आश्रित रहे हैं चाहे वो सदाम हुसैन के कार्यकाल का इराक हो या पाकिस्तान हो उनको देर साबेर धक्का लगा है इस अमेरिका के दोस्ती के पूरे इतिहास को देखते हुए क्या लगता है भारत को अमेरिका पर आश्रित होना चाहिए हम भी अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं उनसे जी सर सर मैं इस बात से जो है वो सहमति नहीं रखता हूँ क्योंकि सर भारत की विदेश नीति का एक मूल्य रहा है स्वतंत्र विदेश नीति और भारत जो है कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं रहा है ना पहले भी हम यूएसएसआर एस एस के से हमने फायदे लिए हैं और यूएसए से भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं पर हम किसी भी गुट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं, नहीं रहे हैं तो सर हमें दोनों ही जो हैं वर्ल्ड हैं वहाँ अपने संबंध बेहतर करने चाहिए और किसी एक देश पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भरता की तरफ जो है अधिक जोर देना चाहिए लेकिन अमेर भी अमेरिकी पूंजी की दखल भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही है जी सर इसके क्या खतरे हो सकते हैं सर पहला खतरा हम दक्षिण एशिया में देख ही रहे हैं कि श्रीलंका का संकट हो चाहे पाकिस्तान का संकट हो तो डॉलर पर हमारी अत्यधिक निर्भरता वो कहीं ना कहीं दे हैं इसलिए हम डी डॉलराइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए दूसरा ये हो सकता है कि सर भू राजनीतिक विवादों में अमेरिका का दबाव जो है हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए एक जो है वो दबाव के रूप में काम करता था तो ये भी एक बड़ा खतरा है लेकिन साथ में ये भी देखने की चीज़ है कि हमारे नागरिकों के रोजगार के उद्देश्य से या प्रौद्योगिकी के नजरिए से या पूंजी के नज़रिए से या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी दखल बढ़ाने के नजरिए से अमेरिका काफ़ी लाभदायक सहयोगी हो सकता है जी सर तो हम अगर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रवैया अपनाएंगे तो अमेरिका हमसे दिल खोल कर दोस्ती नहीं करेगा जी सर सर हमें जो है अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए संबंध निर्धारित करने चाहिए और पूर्व में भी सर हमने जो है इसी तरह से अपने हितों को ही सर्वोपरि रखा हालांकि ये जरूर है कि सर अमेरिका की पूंजी और उनके बाजार उनकी तकनीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आ, लेकिन इसके लिए हम किसी गुट पे पूरी तरह से आश्रित नहीं हो सकते और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने इस तरह का आश्रय लिया अंततः ते उनकी आ, जो है विदेश नीति हो चाहे फिर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा तो हमें इनसे सबक लेते हुए ही अपनी विदेश नीति का संचालन अच्छा ये, ये अंतिम रूप से बताइए कि क्या रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना देना चाहिए जी सर माफ़ कीजिएगा मैंने एग्जिक पढ़ा नहीं सर मुद्रा की परिवर्तनीयता जानते होंगे जी जी सर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी भारतीय रुपया क्या परिवर्तनीय मुद्रा है या नहीं है सर वो करेंट अकाउंट में तो पूरी तरह से हमने परिवर्तनीयता लागू कर रखी है कैपिटल अकाउंट में नहीं कर रखी है तो वो ये हमें देखना होगा सर कि बढ़ते हुए वैश्वीकरण में जब अस्थिरता या मंदी जैसे हालात होंगे तो ऐसे में सर हमें पूरी तरह से उसमें जो है पूर्व पूर, परिवर्तनता नहीं लानी चाहिए मतलब अभी यथा स्थिति यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए ठीक है धन्यवाद ईश्वर जी जी सर अच्छा आप एक प्राइमरी शिक्षक भी हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट दो के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जनसंख्या के बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल में नामांकन से संबंधित क्या प्रावधान है जी सर सर उसमें सर 25 प्रतिशत सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाएगी चाहे वो निजी विद्यालय हो या दूसरे विद्यालय हो इन इन समुदाय से पिछले वर्गों के लिए और उन्हें जो है आ, उनके एवेज में जो पैसे होंगे वो सरकार द्वारा तय किए जाएंगे किस क्लास में दाखिला होता है उसमें सर कक्षा आठ तक कक्षा आठ तक मतलब शुरुआत हम करेंगे क्लास वन से कक्षा आठ तक और जो फंडामेंटल राइट right है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे लेकिन ग्राउंड पे देखा जाता है कि जितने भी स्कूल हैं माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है उन बच्चों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है जिनको वहाँ होना चाहिए और वो बच्चे वहाँ पे हैं जो एक्चुअली डिजर्व नहीं करते वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो उसका स्कूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या कारण आप एज ए शिक्षक आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है जी सर सर एक सबसे बड़ी कमी तो अवेयरनेस की है कई जो है गरीब परिवारों को आर में किस तरह से दाखिला लिया जाता है इसकी जानकारी भी नहीं है दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर निजी विद्यालय में जो है इस तरह की सीटों की जो है खरीद फोकोद के मामले भी देखे गए हैं तो इस तरह का भ्रष्टाचार भी एक बड़ी दिक्कत है और तीसरा सर है कि निजी विद्यालयों में जो है कल्चर जो है वहाँ सर जो है वो इस तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को लेकर एक नकारात्मक रवैया रहता है जैसा हिंदी माध्यम करके जो एक मूवी है उसमें भी बताया गया है तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ठीक है अच्छा आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं मुझे बताइए कि राइट टू एजुकेशन एक दो के विभिन्न मानदंडों पर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है सफिशेंट नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स का सवाल है टीचर स्टूडेंट रेशियो का सवाल है इन सारे मानदंडों पे क्या आपका विद्यालय परफेक्ट है या फिर कहीं ना कहीं अभी भी कमी है और कमी है तो उसको बताइए क्या क्या कमी है आपके विद्यालय में जी सर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा जो विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपरा वो अपनी पंचायत में जो है उत्कृष्ट विद्यालय का स्थान रखता है आ, सर वहाँ टीचर रेशियो अनुपात भी जो उसमें बताया गया है आर में एक अनुपात तीस का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भी देखें तो सर बालिकाओं का अलग शौचालय है और बालकों का अलग शौचालय है और दोनों ही अच्छी स्थिति में है पेयजल की सुविधा है बिजली कनेक्शन है तो इन मापदंडों पर काफ़ी बेहतर है हालांकि सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हमें और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है क्यों क्यों गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं सिलेबस सेम है किताबें सेम है जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं जो टीचर वहाँ आपके एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है उनके चयन की प्रक्रिया इतनी सघन और इतनी रिगरस है कि बेस्ट का चुनाव होता है फिर भी ये बेस्ट जब डिलीवरी के टर्म्स में हम आ, देखते हैं तो बेस्ट बहुत पीछे मुझे नजर आता है ऐसा क्यों सर एक बड़ी वजह यह है कि भारत में डेढ़ लाख स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर हैं और ऐसे में सरकारी विद्यालयों में जहां मिड डे मील की व्यवस्था है वहां गैर शैक्षिक कार्य भी शिक्षक को करने पड़ते हैं कारण ये हो गया और बताइए दूसरी बड़ी वजह यह है कि सर जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो नौकरी के साथ जो प्रशिक्षण होता है उसकी गुणवत्ता अच्छा, में लिखा है, कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है आप मुझे बता सकते हैं प्लेजियरिज्म किसे कहते हैं और भारत में प्लेजियरिज्म को चेक करने के लिए किस तरह के कानूनी प्रावधान है माफ कीजिएगा सर अगर आप इसे हिंदी में बता पाए तो मतलब आप किसी की राइटिंग को अगर कॉपी कर रहे हैं या तो इसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं अगर ब्लंटली कहा जाए तो किसी की लिटरेचर की चोरी जी सर सर भारत में जो है कॉपीराइट एक्ट है उसके तहत जो है उसे रोका जा सकता है ठीक है अच्छा आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में मृत्यु भोज जो डेथ के बाद जो भोज का जो कार्यक्रम होता है वो काफ़ी चर्चा में रहा है जी सर कई लोगों ने कहा है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए कई लोग कहते हैं कि होना चाहिए और कई लोगों का ये मत है कि मृत्यु भोज जाति प्रथा एज एन इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का एक विंडो है आप कहाँ खड़े हैं सर मैं मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं प्रथाओं के खिलाफ हूँ ये एक किसान परिवार की 10 से 15 साल की जो इनकम होती है उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरे गाँव में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई तो मैं साक्षी रहा हूँ कि सर किसान जो है लोक नीति का सर्वे भी बताता है कि वो अपनी एक पूंजी का बड़ा हिस्सा इस तरह के सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर होने वाले भोज में खर्च कर देता है और ऐसे ही मृत्यु भोजों में सर बाल विवाहों का भी बड़ा प्रचलन है कि भोज के साथ साथ दो से तीन लड़कियों की एक साथ शादी कर दी जाती है तो सर ये सामाजिक कुरीति तो है ही है दूसरा सर इस तरह के किसान परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाते हैं तो वहाँ भी वो पिछड़ जाते हैं बहुत बढ़िया आपके पास बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है तो आप मुझे बताइए कि शादी में जो हम खर्च करते हैं भोज के ऊपर वो भी फिजूल खर्ची की ही श्रेणी में आता है आपके लिहाज से जी सर सर मेरा ये मानना है कि शादी जो है वो जो है वो पर्सन टू तो पर्सन डिपेंड करती है किसी व्यक्ति को जो है वो, क्योंकि वो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है इवेंट में से तो अगर कोई वो कर रहा है तो, तो उसमें... उसमें अगर भोज पे खर्च करते हैं वो भी तो आपकी प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है सर उसके साथ कई कुरीतियां जुड़ी हुई एक तो सर जैसे राजस्थान में अफीम का प्रचलन मृत्यु भोज के समय होता है ये एक बड़ी वजह है और दूसरा सर शादी अनिवार्य नहीं है वो ऐसी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करे पर मृत्यु भोज में सर कई बार रिश्तेदारों के दबाव की वजह से इस तरह के भोज से जो है वो काफी नुकसान होता है ठीक है धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर जी, जी भीलवाड़ा में आ, कौन से घूमने लायक जगह है जी मैम तीन चार का नाम अगर आप मुझे बता सकें तो मैम यदि मैं ऐतिहासिक धरोहरों की बात करूं तो वहाँ मांडलगढ़ का किला है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा निश्चित रूप से दूसरा एक मैनाल का झरना है जहाँ प्राकृतिक जो है पर्यटक की काफी संभावना है तीसरा में धार्मिक रूप से कई मंदिर हैं जो है गुजर समुदाय का सवाई भोज का मंदिर है आसिन में तो वहाँ भी निश्चित रूप से आपने देव नारायण का नाम नहीं लिया देव नारायण काफी चर्चा में है जी जी मैम वो सवाई भोज का मंदिर उन्हीं का है देवनारायण अच्छा ठीक है आ, ये क्यों चर्चा में है जी मैम 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देवनारायण जन्मभूमि जो है मालासेरी डूंगरी वहाँ का दौरा करने वाले हैं तो इसे लेकर काफी चर्चा वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है इससे क्या फर्क पड़ेगा वहाँ के टूरिज्म पे कॉरिडोर के आ जाने जी, जी. से मैम एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो जाएगा दूसरी मैम चीजें काफी अव्यवस्थित हैं जैसे देवनारायण से संबंधित जो लोह कथा फट चित्रण है वो काफी बिखरा हुआ है तो हो सकता है कि उसका रख रखाव बेहतर हो जाएगा तीसरा यह है कि जो कनेक्टिविटी की दिक्कत है वो भी जो है सॉल्व हो सकती है जिससे पर्यटन जो है काफी बेहतर हो ठीक है ये बताइए कि मैरिटल रेप के बारे में काफी चर्चा चल रही है आजकल सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुद्दे को उठाया हुआ है आप यहाँ पे कहा खड़े होते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए एक जुर्म बना देना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे ठीक है क्योंकि हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है मैम सबसे पहली बात तो है वह है कि रेप इज रेप चाहे वो बाहर हो या उसमें वैवाहिक व्यवस्था के अंदर हो आ, लेकिन मैम देखने वाली बात यह है कि जैसे दहेज प्रथा जो को बैन करने के लिए हमने कानून बनाया ये देखा गया है कि उस कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ तो इसके दुरुपयोग की जो संभावना है इसे लेकर चिंता केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जताई है तो मैं अभी इस पे जो है और विमर्श होना चाहिए हमारे समाज में थोड़ी चर्चाएं हो और एक खर्चा के बाद कोई कदम आपने एंटी डाउरी एक्ट, एक एक्ट का वैसे भी कोई मानता तो है नहीं इसकी वजह से दहेज में लेन देन में कोई फर्क नहीं पड़ा और दूसरा अगर हम इसको रखते हैं तो उसी लॉजिक से क्या हमें मैरिटल रेप को नहीं रखना चाहिए मैम कानून को हटाने के बजाय हमें उसके बेहतर क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि एस एच ओ लेवल पर या थाने के स्तर पर उसको सही तरीके से हम लागू नहीं कर पा रहे हैं या लोगों में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है तो इसे लेकर थोड़ी जागरूकता का प्रयास करना चाहिए और जहाँ तक वैवाहिक बलात्कार का मामला है तो मैम अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी और चर्चा हो क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ये चिंता जताई है कि इस तरह के मामले यदि हम तुरंत उसे एज ए लीगल वो कर दें तो वैवाहिक व्यवस्था ध्वस्त है या परिवार आ, की जो हमारी संरचना है उस पर नकारात्मक क्या आप वस्ता? ये मानते हैं कि वैवाहिक व्यवस्था जो है वो इस धुरी पे टिकी हुई है कि महिला कितना बर्दाश्त कर पाए नहीं मैम मैं इस यह नहीं मानता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि जो है कोई भी कानून आ, हमारी न्यायपालिका यदि जो है निर्दोष को सजा नहीं निर्दोष को सजा नहीं हो उस सिद्धांत पे काम कर रही है तो हमें इस पे थोड़ा और सोच विचार कर कोई कदम उठाना जी ठीक है राजस्थान में अरावली का बहुत महत्व है अरावली पहाड़ी का अगर ये अरावली जैसे कि आपको पता ही होगा, अवैध खनन चल रहा है काफी सालों से एक ऐसा दिन आता है जब ये पहाड़ श्रृंखला पूरी तरह खत्म हो जाती है तो इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा खुद राजस्थान पे और आसपास के क्षेत्रों पर जी मैम मैं अरावली को यदि राजस्थान की लाइफ लाइन कहूं, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी अगर अरावली का पूरी तरह से खनन हो जाए सर तो एक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है मरुस्थलीकरण जो है वो दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ेगा तो मरुस्थलीकरण में तेजी होगी दूसरा है कि राजस्थान के अधिकांश जैव विविधता अरावली के पहाड़ों में निहित हैं तो जैव विविधता का हास होगा और तीसरी कमी आर्थिक रूप से और आर्थिक नुकसान तो होगा ही और चौथा जलवायु को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा क्योंकि अरब महासागर से आने वाले मानसून को रोककर अरावली जो है वो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश करवाती है तो अगर अरावली समाप्त हो जाएगी तो बड़ी संभावना है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की दर में कमी आएगी ठीक है मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा अभी पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि लोग राजस्थान में राजस्थानी भाषा की मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट में और वहाँ का जो लेजिस्लेटिव uh, असेंबली है वहां पर राजस्थानी को प्रमोट uh, किया जाए क्या राजस्थानी सच में कोई भाषा है जो सारे राजस्थानी समझ पाए जी मैम निश्चित रूप से राजस्थानी अलग भाषा है और आ, यदि हम हिंदी का इतिहास देखें उसके विकास का तो हम ये पाएंगे कि राजस्थानी अपभ्रंश और सौर सैनी अभिभ्रंश एक समकक्ष भाषाएं थी सौर सैनी अभिभ्रंश से, से हिंदी की कई बोलियों का विकास हुआ उसी तरह से राजस्थानी अपभ्रंश से गुजरी अपभ्रंश होते हुए राजस्थान की भी कई बोलियों का विकास हुआ उसका अपना जो है विपुल साहित्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार चार करोड़ से अधिक लोग उस भाषा को बरतते हैं राजस्थानी भाषा में ही एक समृद्ध भाषा की तरह कई बोलियों का विकास भी हुआ है तो वो एक निश्चित रूप से अलग भाषा है और उसे आठवीं अनुसूची में जो है दर्जा दिया जाना चाहिए ठीक है धन्यवाद जी ईश्वर लाल जी, जी अभी जी। आप सर से और मैडम से महिलाओं की स्थिति के विषय में कुछ बात कर रहे थे अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो राजस्थान हमेशा महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे रहता है जी सर क्या इसके पीछे मूल कारण समझते हैं आ, सर इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान का समाज जो है वो आ, भारत के उत्तर पश्चिम में है तो सर्वाधिक जो बाहरी आक्रमण हुए वो राजस्थान की तरफ हुए हैं तो सामंतवादी समाज रहा है और महिला को एक एसेट के रूप में प्रयोग लिया जाता है तो नैतिकता की जितनी जवाबदेहियाँ महिला पर लादी गई हैं तो वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से घूंघट प्रथा बाल विवाहों जैसी सामाजिक कुरीतियों ने जन्म लिया आ, दूसरी ये वजह है कि सर अभी भी जो है राजस्थान में महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं चाहे वो पशुपालन कृषि क्षेत्र हो गए जिसमें महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी होती है पर परिवार और समाज में उन्हें एक भागीदार के रूप में शामिल नहीं किया जाता तो दो बड़ी वजह आप बता रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट और है आपसे पूछने में कि जो राजस्थान में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है महिलाओं की चलिए कुछ तो जनरल रीजंस हैं पैट्रियार्की और ये सब राजस्थान स्पेसिफिक क्या क्या रीजंस हैं एक तो आपने बताया कि चलिए उत्तर पश्चिम में है वो क्षेत्र आक्रमण होते रहे हैं। और कुछ राजस्थान स्पेसिफिक सर एक ये है कि जहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार होता है वहाँ सर इस तरह की सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं का खात्मा होता है और महिलाओं को संबल मिलता है पर राजस्थान महिला साक्षरता में जो है वो देश में पीछे से दूसरे स्थान पर है और हमारी महिला साक्षरता केवल इकसठ प्रतिशत है तो एक वजह ये है कि बालिका शिक्षा को हमने उतना प्रमोट नहीं किया अच्छा ठीक राजस्थान के कुछ कल्चरल साइट्स के बारे में बताइए जो वाइडली नोन है जो बहुत फेमस हो जी सर राजस्थान को सर सांस्कृतिक विविधता की वजह से रंगीला प्रदेश भी कहा जाता है एक तो सर जो है राजस्थान में किले महल और हवेलियाँ बहुत हैं जिसमें सर आमेर के महल है हवा महल है चित्तौड़ का किला है ये काफ़ी फेमस है दूसरा सर राजस्थान में लोक नृत्य और लोक गीतों का भी काफ़ी विकास हुआ है चाहे वो कालबेलिया नृत्य हो या मणियार लोक गीत हो तो वो काफ़ी फेमस है तीसरा सर राजस्थान अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है तो पधारो हमारे देश जैसे हैं तो वो लोगों की भावनाओं में भी नहीं थे ये तीन चीज़ें कह अच्छा मैं वैसे कल्चरल साइट्स के बारे में पूछ रहा था कुछ स्थल जो हों सांस्कृतिक स्थल जो बहुत फेमस हों कुछ ऐसे नाम आपसे पूछ रहा था जानना चाहिए जी, जी सर जैसे सेकावटी की हवेलियाँ हैं तो वो काफ़ी फेमस हैं इसके अलावा सर जैसलमेर का किला मेहरानगढ़ है तो वहाँ भी जो है पटवों की हवेलियाँ और भीती चित्र काफ़ी हैं तो ये आप रिलीजन स्पेसिफिक साइट से बता रहे हैं और किसी रिलीजन की कोई चीज़ें फेमस नहीं है नहीं सर ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है शेखावटी एक क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र तो वहाँ की हवेलियाँ काफ़ी फेमस है इसके अलावा सर अजमेर में दरगाह शरीफ जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द का सिल माना जाता है तो वो भी फेमस है अच्छा आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं उनका अजमेर से क्या कनेक्शन था सर महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी सर इसके अलावा सर उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा सिद्धार्थ प्रकाश वो भी अजमेर में रेखे लिखा और वहीं से प्रकाशित होने के प्रमाण उनके कुछ दर्शन के बारे में बता सकते हैं जी सर सर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वो हिंदू धर्म में सुधारों की बात की थी और आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए जो वैदिक परंपरा थी वेदों की ओर लोटों उसे उन्होंने बढ़ावा दिया इसके अलावा सर स्वदेश और स्वराज की पहली बार जो बात है भारत भारतीयों के लिए ये भी उन्होंने बताया मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है अपनी कोई दो कमियाँ बताइए सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ पहली ये है कि मुझे सर डांस नहीं आता हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की है सीखने की और मेरी हार्दिक इच्छा भी है तो एक तो ये देख रहा हूँ दूसरा सर मैं अंग्रेज़ी में जो है थोड़ा कमज़ोर हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसे सीखूं पर एक तरह का डर जो है वो बचपन से बैठा हुआ है तो उसे मैं जीत नहीं पाया ठीक है थैंक यू ईश्वर एक प्रसिद्ध चिंतक हुए जॉन डेवी आपने उनके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि आप टीचर हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में एजुकेशन फिलोसफी में उनका जिक्र काफी आता है उनका एक प्रसिद्ध कथन है एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ इट इज लाइफ शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है शिक्षा ही जीवन है इसका क्या मतलब हो सकता है इस कथन का सर इसका एक मतलब मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि शिक्षा एक वाइब्रेंट प्रोसेस है जीवंत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लगातार सीखता है दूसरा सर जीवन शिक्षा कोई एक निश्चित जीवन की अवधि तक चलने वाली प्रोसेस नहीं है पूरे जीवन तक चलती है तो ये अर्थ होता है ठीक है एक चिंतक ने ये कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं इनका नाम है सुकरात जी सर टीचर होने के नाते आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे सर एक बार आप इसे फिर रिपीट कर दें बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं जी सर सर सुखरात ने इसे इस संदर्भ में कहा होगा जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने अज्ञानता का ज्ञान है तो सुखरात ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को दरअसल पता नहीं होता है कि वो कितना जानते हैं वो अपने आप को या जो अपने ही ज्ञान या विश्वास को बहुत बड़ा करके आंकते हैं जबकि वो दरअसल बहुत कम जानते हैं तो वो अज्ञान का ज्ञान होना उस संदर्भ में उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसे कौन से कवि या उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने अज्ञान के ज्ञान के बारे में खूब लिखा है सर भक्ति काल में मैं कबीर को सोच पा रहा हूँ उन्होंने कहा था कि लोगों ने जो मेरे गीतों को प्रशंसित किया है दरअसल वो कुछ नहीं वो केवल मेरी भक्ति के ही पद हैं तो ऐसे करके इसके अलावा तुलसीदास ने भी अपनी काव्य प्रतिभा को लेकर स्वयं ही प्रश्न खड़े किए हैं तो अभी मैं दो याद कर रहा हूँ चलिए आखिरी सवाल ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है उसकी बड़ी वजह है कि शिक्षा हमारी कमज़ोर है जी सर अगर हमें दुनिया में डंका बजाना तो एक ही तरीका है कि शिक्षा के मामले में हम दुनिया के विकसित देशों को टक्कर दें जी सर जैसे अमेरिका को टक्कर दें शिक्षा नीति में ऐसा क्या जोड़ें क्या परिवर्तन करें कि हमारे यहाँ से आज से बीस पच्चीस साल के बाद ऐसे विद्यार्थी बने ऐसे लोग बने कि वो अमेरिकी विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की टक्कर में खड़े हो सके और 50 साल 100 साल के बाद हम सच में उस स्थिति में हो कि अमेरिका और यूरोप के विद्यार्थी भारत आगे पढ़ना चाहें ना कि यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाके पढ़ना चाहें जी सर सर सबसे पहला प्रयास मैं प्राइमरी जो है एजुकेशन उसे लेकर बताऊँगा हम नाइन्टी बच्चों को स्कूलों में पहुँचाने में सफल हुए हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएँ तो सबसे पहला प्रयास हमें प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पर करना होगा और हमारी जो परंपरागत शिक्षण की पद्धतियाँ हैं उसे बदलना होगा हम रटन या अंक प्रणाली को जितना महत्व देते हैं उसके बजाय ये देखाना होगा कि बच्चा दरअसल कितना अपने व्यवहारिक जीवन में सीख रहा है ये दूसरा प्रयास प्रयासर हमें उन शिक्षा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा हमारे यहाँ अभी भी जो है जुगाड़ की मानसिकता है हम निवेश जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश नहीं कर पा रहे हैं वो जीडीपी का पॉइंट छः प्रतिशत के आसपास ही है तीसरा प्रयास ये है कि सर शिक्षण व्यवस्था में परस, जो शैक्षिक प्रशासन है उसे भी बेहतर करना होगा उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और शिक्षण प्रशिक्षण की जो स्थिति है चाहे वो बीएड करवाने वाली संस्थान हो या डीएलएड करवाने हो वो सर डिग्रियां बांटने की दुकानें मात्र हैं तो वहाँ एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है इसके अलावा सर हमने आईआईटी तो खड़े तो किए हैं लेकिन वो केवल जो है वो कुछ सितारे हैं तो इस तरह के कई संस्थान हमें हर जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि हमें हर जिले में एक बहुविषय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी ताकि जो है हम हर जिले में ही उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित कर पाएँ यदि हम ये कर लेते हैं और जी का बड़ा हिस्सा जो छः प्रतिशत बताया गया है वो अगर खर्च कर पाएं शिक्षा पे तो 20-25 साल बाद में आशा कर सकता हूँ कि हम उस स्तर पर होंगे ठीक है ठीक है ईश्वर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा अब जी जा सकते हैं धन्यवाद सर टीम दृष्टि पेश करती है आई की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग एप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर्स पर सर मैं आ सकता हूँ यस यस ये बैठिए बैठिए ईश्वरी कौन सा अटेम्प्ट आपका सर ये और इंटरव्यू दूसरा है सर पिछली बार दिया था 2020 में दिया था कितने अंक आए थे वन सिक्स एट और उस साल की जो परफॉर्मेंस थी यू में और आज जो परफॉर्मेंस थी उसमें कितना अंतर है सर काफ़ी बेहतर है वो पहला मेंस था और वैकल्पिक विषय को मैंने प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ा था तो इस बार काफ़ी अच्छी दे रही इस बार ऑप्शन कैसा गया आपका शानदार हिंदी साहित्य हिद्य जी? जी सर कोई सवाल गलत नहीं है एक भी जी नहीं सर और जी भी अच्छा है जी भी गुड अल्लाह हमारा ख्याल है कि आप थ्रू हैं और बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे इस बार तो कहीं कोई वजह है नहीं दरअसल सुझाव है ही नहीं क्योंकि आप इतना बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं क्या सुझाव दें आपको जी सर आपकी एंट्री बहुत बढ़िया है आपकी ड्रेस भी अच्छी है ड्रेस में जो बताने वाली बात है तो बेल्ट आपकी भूरी है जो इससे मैच नहीं कर रही है जी सर हालांकि कोई देखता देखता है नहीं पर तब भी सुझाव देने के लिए मैं कह सकता हूँ टाई थोड़ी सी अलग है कॉम्बिनेशन में चाहे तो देख लीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं बेल्ट चेंज कर लेना जरूर ठीक है टाइम ए, टेंशन नहीं है लेकिन अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो खरीदना मत जी सर अगर हो तो एक दो लगा के देख लेना जो ज्यादा अच्छा लगे वो पहन लेना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है आपका आत्मकथा पर सवाल आपसे कई पूछे फायदे नुकसान लिखने के पढ़ने के सब आपने बढ़िया बताए बहुत बढ़िया दोहा शेर चौपाई थोड़ा कम पता था लेकिन ऐसे सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे तो जितना पता था काफी है तनाव नहीं लेना है उसका ईश्वर शब्द को लेकर फिर धर्म के टीचिंग को लेकर भी आपने अच्छा हैंडल किया प्लेजियर आपको नहीं पता था आपने बड़े बेधड़क तरीके से पूछा हिंदी में क्या होता है एकदम एकदम की तरह पूछा वही स्टाइल ठीक है आपके अंदर ना एक खास किस्म का अंदरत्व है और वही कबीरत्व आपकी जान है वो ही मेम्बर्स को पसंद आएगा तो कोई कितनी भी सलाह दे आप जैसे हैं वैसे ही रहना है आपको वो दिखाने का मौका नहीं मिलता है दिखाने का मौका नहीं मिला ठीक ठाक मौका मिला देखने का नहीं मिला था सर ये हो सकता है यहाँ तो देखने की नज़र भी चाहिए ना यहाँ तो हम सबको नजर आ गया ठीक से ठीक धन्यवाद तो, तो वहां भी शायद चांस मिल जाए कुछ ना कुछ मृत्यु भोज में आपने जितना फर्म स्टैंड लिया वो कबीरत्व का दूसरा लेवल आपका है ऐसा मौका मिले तो ऐसे स्टैंड लेना है जम के एकदम अब राजस्थानी भाषा को लेकर जनरली मैं कहता हूं कि आप अपने राज्य की ऐसी डिमांड को बहुत खुल के सपोर्ट मत कीजिए इंटरव्यू में पर आपने जितने अच्छे तरीके से स्टैंड लिया अब मेरा ये कहने का मन ही नहीं कर रहा कि मत कीजिए तो वो भी ठीक है स्टैंड आपका क्योंकि आपने तथ्यों के साथ बात कही और अपने राज्य की डिमांड के खिलाफ खड़े होना ही हमेशा प्रोग्रेसिव होना नहीं होता है तो वो भी ठीक लगा आपका स्टैंड एजुकेशन पर आपकी काफ़ी अच्छी समझ है और जितने सवाल हमने पूछे आपसे सब पे बहुत बढ़िया जवाब जो सिचुएशंस वगैरह थी वो भी ठीक थी और हम सब की राय है कि आप मतलब कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं इस बार और आपका इंटरव्यू का जो लेवल है मेरे ख्याल से 190 प्लस का होना चाहिए जी सर अगर आप ठीक से परफॉर्म करते हैं तो 200 को टच कर सकता है 190 तो होना ही चाहिए अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस आज जैसी करके आते हैं तो उस पर यह जरूर है कि प्रश्न आपको अच्छे मिल जाए इंटरव्यू में कई बार प्रश्न बड़े फैक्चुअल होते हैं तो वो मौका मिलता नहीं सिखाने का तो अगर प्रश्न ठीक मिल गए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाली है ठीक ठीक है कुछ पूछना है आपको नहीं सर बस धन्यवाद तो शुभकामनाएं और लगभग अग्रिम बधाई और गाड़ के आइए धन्यवाद सर ठीक है ठीक है